हो जाएगा माइनस के क्वेश्चन। सो ये इजी वेक्टर आ गया। अब बीसी वेक्टर फाइंड आउट है, तो बीसी वेक्टर हो जाएगा ओसी वेक्टर माइनस ओबी वेक्टर। ओसी है 3i प्लस 10j माइनस के, ये ओसी है माइनस ओबी, ओबी हो जाएगा 2i प्लस 6j प्लस 3i प्लस 10j माइनस के माइनस 2i माइनस 6j माइनस 3। सो हमने क्या करा, हमने उसी वेक्टर की वैल्यू रख दी और उसमें से जो भी वेक्टर की वैल्यू सब्सट्रैक्ट करें, हम लोगों ने सब्सट्रैक्ट करने में क्या आएगा i, ओके, तो j में आ जाएगा प्लस 4j और k में आ जाएगा। सो ये हमने ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है ये दोनों इक्वेशन से सेम वैल्यू आ रही, व्हिच मींस क्या है, ए बी वेक्टर इक्वल्स टू एन बी सी वेक्टर, ओके, वेयर एन कितना है 1, ओके। सो हम ए बी और बी सी में ये रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाए, व्हिच मींस ए बी और बी सी क्या है एन। सो ए बी एंड बी सी पैरेलल, बट पॉइंट बी इज, तो यहाँ पर ए बी और बी सी समानांतर है क्योंकि हमने रिलेशन प्रूव कर दिया कि ए बी इक्वल्स टू एन बी सी, यहाँ पर ए बराबर वन है, इसका मतलब क्या है ए बी और बी सी समानांतर है, पर दोनों में बिंदु बी क्या है ध्वनिष्ठ कॉमन है, ये तभी पॉसिबल है जब ए बी सी कोऑर्डिनेट है। तो ए बी एंड बी सी आर पैरेलल बट पॉइंट बी इज कॉमन, सो ये कब पॉसिबल है, सो ए बी एंड सी आर कोऑर्डिनेट, ये तभी पॉसिबल है जब ए बी सी और ए बी और सी एक स्ट्रेट लाइन है, व्हिच मींस अगर ए बी सी कोलिनियर है तभी ये ए बी इक्वल्स टू बी सी रिलेशन आ रहा है और बिंदु पॉइंट बी दोनों में कॉमन, व्हिच मींस ए बी सी आर कोलिनियर।